मामला रसूड़िया क्षेत्र का है। यहाँ टीआई के ड्रेस में एक व्यक्ति ने कई लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। जब पुलिस ने घेराबंदी कर इसे पकड़ा तो एक गणेश परमार निकला, जो सीआरपीएफ में पदस्थ अपने भाई की ड्रेस पहनकर घूम रहा था। गणेश भी पहले सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर था, लेकिन लगातार लापरवाही करने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया था। आरोपी गणेश अपने टीआई भाई की वर्दी पहनकर शराब के नशे में धुत था, जिसने एक के बाद एक लोगों को टक्कर मारी। इसके पास से एक एयरगन भी मिली है। अभी एक लसूड़िया क्षेत्र में निरंजनपुर चौराहे पे एक सीआरपीएफ के पूर्व भूत सब इंस्पेक्टर थे, जिनको 2022 में सेवा से पृथक कर दिया गया था। तो उनने शराब के नशे में एक बाइक वाले को टक्कर मारी थी और एक राहगीर थे संजय मौर्य, उनको टक्कर मारी थी, जिनके सर में चोट आई है। तो सेट पे पॉइंट देके इनको विजयनगर चौराहे पे राउंड अप किया गया, और जब इनको राउंड अप किया गया तो ये पाया गया कि अपने भाई ईश्वर परमार, जो कि इंस्पेक्टर है सीआरपीएफ में, उनकी वर्दी पहने हुए थे, और गणेश परमार जो कि इनका नाम है, उसके नाम का बैच लगा हुआ था। इनके पास से एक पिस्टल भी जब्त हुई है, जो एयर गन थी तो वो भी जब्त हुई, और पुलिस की जो कैप होती है और जो अन्य बैच जो वर्दी के आइटम्स है वो जब्त हुए हैं। तो इनके प्रति विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पहले सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर रह चुका है, इनको 2022 में सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। आशंका है कि ये पुलिस की वर्दी में पहले भी कुछ वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसके संबंध में पुलिस पूछताछ में जुटी है।